गिविंग शुरू करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मैथड्स। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मैथड्स भी जो है वो कैटेगरी कैटेगराइज्ड है टू में, यानी कि एक होता है प्रोबेबिलिटी या फिर रैंडम सैम्पलिंग मैथड। दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी, या नॉन रैंडम सैम्पलिंग मैथड्स। फिलहाल हम फोकस करने लगे हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मैथड्स के ऊपर। ठीक है, रैंडम या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मैथड और इन दोनों में सबसे पहले फ़र्क क्या होता है? इन दोनों में फ़र्क यह होता है बेसिकली कि आपका जो प्रोबेबिलिटी या जो रैंडम सैम्पलिंग मैथड होता है इसके अंदर हर एक इसमें जो है वो हर एक इंडिविजुअल जो होता है उसको इक्वल चांस मिलता है आपके सैंपल का हिस्सा बनाए। ठीक है, टू बिकम पार्ट ऑफ सैंपल। वेयरएज नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटीज का टोटली ऑपोजिट है, हर किसी को इक्वल चांस नहीं मिलता। सिंपल। पहले हम प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स के जो चार पार्ट्स हैं उनको देखेंगे और उसके बाद इन द नेक्स्ट वीडियो आपको इनके चार पार्ट्स दिखाऊंगा। आगे चलते हैं इसको और इस काम को। प्रोबेबिलिटी रैंडम, ठीक है, प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स जो है वो चार हिस्सों में मजीद या चार किस्मों में डिवाइड होता है। ठीक है, सबसे पहली है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यानी कि आप सिंपल गए, एक क्लास से आपने जो है वो डाटा इकट्ठा कर लिया, आपने उसमें से रैंडम सैम्पल कलेक्ट कर, यानी कि आपने जो है वो डाटा करना इकट्ठा करना था कि बच्चों को पढ़ा या एक कोर्स से क्या फ़ायदा महसूस होगा। ठीक है, अब उसके लिए आपको जो वो कोर्स अटेंड कर रहे हैं उनको ही आपने सीखना था, उन्हीं बच्चों को आपने देखना था। तो आप उस क्लास में गए, उस क्लास में जितने बच्चों के आपने लिस्ट किया, एक पर्ची बनाई, एक बोल के अंदर जो है सारों के नाम फोल्ड करके डाले, हाथ फेरा और उसमें से 10 या 15 लोगों को जितने अपने सैंपल विड्रॉ करना था आपने विड्रॉ किया, उनको बाहर बुलाया, उनसे डाटा इकट्ठा किया, उनको वापस बिठा दिया, फिर आपने सारे बच्चों के नाम अंदर डाल दिए, फिर आपने रैंडम सैंपल किया, N1 आपने निकाल लिया 15 का, फिर जो ये 15 थे उनको फिर मौका मिला कि वो फिर सैंपल का हिस्सा बन सकते थे। ठीक है, ये होता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म इंटायर सीरीज वाले अंदाज में। आप एक जगह गए, आपने वहाँ से जो है वो रैंडम सैंपल कलेक्ट करना था, आप यूनिवर्सिटी गए, आपने वहाँ से रैंडम सैंपल कलेक्ट करना था रिलेटेड टू एनीथिंग, मे बी रिलेटेड टू के उनको बैंक्स के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है या कितनों के पास बैंक अकाउंट मौजूद है, इस तरीके की आपने इन्फॉर्मेशन ली थी। आप सिंपल गए वहाँ पर, फिर हर स्टूडेंट जो होगा वो आपके सैंपल का हिस्सा बनने का हकदार है। आप गए, आपने देख नज़र घुमाई, आपने सबसे पूछना शुरू किया, जो जो राज़ी हो गया आपने उनसे अपना क्वेश्चनर फिलअप करवाया, आपके सैंपल का हिस्सा बन गया, जिन्होंने इनकार कर दिया दस टूटी पूरा, ये भी सिंपल रैंडम सैंपलिंग ही होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकेंड वन, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग।
वो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? बेसिकली क्लास में से आपने जो है, अगर ऐसे एग्जांपल को ही हम लोग कंटिन्यू करें तो क्लास के अंदर मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे, ठीक है। यानी कि अगर आपने एक पॉपुलेशन को ऊपरी सतह से देखा तो वहाँ पे आपको दो करेक्टरिस्टिक्स नज़र आए, या तो मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल के मौजूद, जो वहाँ पे आपके सैंपल के लोग मौजूद हैं, उसके ऊपर आप करेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे जो डिफ्रेंशिएट्स करेंगे वो होगा स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट, सो इट विल बी रिगार्डेड एज स्ट्रेटम। स्ट्रेटम यानी कि सिंगुलर है, ठीक है जी, और स्ट्रेटम मीन्स ब्यूटी, ठीक है जी। तो स्ट्रेटिफाइड आप कैसे कर सकते हैं? आपने जो है, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, आपने मालूम करना था इकोनोमेट्रिक्स का कोर्स जो है वो स्टूडेंट्स के लिए कितना फ़ायदेमंद है। आप क्लास में गए, आपने सबके नाम लिस्ट डाउन किए, डाले, विड्रॉल किया N150, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब जब आपने डाटा से आपने काम किया तो आपको पता चला कि आपका जो रेशियो बन रहा है वो बन रहा है कि आपका मेल जो है वो क्लास के अंदर 25% है और फीमेल जो है वो 75% है। ये तो वो है जो आपने सैंपल से निकाला, मगर आपके पॉपुलेशन जब आपने जाके चेक की उस क्लास की, तो वहाँ पे 50-50 का रेशियो चल रहा था, यानी कि मेल और फीमेल जो है 50-50% थे। अब क्या करेंगे? अब ये तो देख रहे हैं ना कि बायस हो रहा है, पॉपुलेशन से डिफरेंट बन रहा है, अपने पॉपुलेशन से डिफरेंट नहीं कर। तो ऐसी सूरत हाल में कि ये सब कुछ सेम चीज़ को डिफाइन करें, आपने स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करें। इसमें क्या होता है, आपने दो स्ट्रेटा किए, मेल फीमेल, मेल का लिस्ट अलग होगा, फीमेल का लिस्ट अलग होगा, मेल का बॉल अलग होगा, फीमेल का अलग होगा। अब फॉर एग्जांपल आपका नंबर और सैंपल आपने लेना था 10 लेना था, ठीक है। 5 आपने मेल से लिए, 5 आपने फीमेल से लिए, ताकि वो जो 50-50 का रेशियो है वो बरकरार रहे दोनों के, आपके सैंपल और पॉपुलेशन में ये डिफरेंस ना आए, ठीक है। अगर ये 50-50 का नहीं होता, फॉर एग्जांपल ये होता आपके पास, ये सेम रेशियो हो रहा होता, मगर आपके पास जो सैंपल में आ रहा होता वो 50-50 का आ रहा होता, फिर आप क्या करते? आप 3 फॉर एग्जांपल आप यहाँ से पिकअप करते मेल से, और 75 को शो करने के लिए आप जो है वो 7 यहाँ से पिक करते, ताकि आप ये 10 की मिकदार भी पूरी हो जाए और वो रेशियो मेल और फीमेल का आपके सैंपल के अंदर भी वैसे ही नज़र आए जैसा आपकी पॉपुलेशन की। आई होप से बात क्लियर होगी। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, अब आगे चल रहे हैं हम क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग, ठीक है जी। थर्ड टाइप इज क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग। सो बेसिकली क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग में भी आप ग्रुपिंग ही करते हैं, बट इस बार जो ग्रुपिंग होती है इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड्स, ठीक है। या ज्योग्राफिकल लोकेशंस के हिसाब से जो है वो ग्रुपिंग की जाए। स्टेटा में क्या था, जो आपके पास डाटा या लोग मौजूद है उसके आपने करेक्टरिस्टिक्स देख के उसके हिसाब से आपने ग्रुपिंग की, तो वो है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। जहाँ आपने ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड के हिसाब से ग्रुपिंग की है तो वो हो जाएगा क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग। अब एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे इकोनोमेट्रिक्स की क्लास थी, ठीक है, पॉपुलेशन के अंदर जो है वो रूरल एरियाज से जो है वो 70% लोग थे और अर्बन से 30% लोग थे, मगर हमने सैंपल जो लिया, जो सिंपल रैंडम सैंपल किया, उसमें ये चीज़ थोड़ी डिफरेंट हो गई। यानी कि हमारा सैंपल के हिसाब से, सैंपल में रूलर के
50 आ रहे हैं और अर्बन के भी 50 आ रहे हैं। अब क्या करें, आपका सैंपल के रिजल्ट्स तो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, मगर हम लोग सैंपलिंग तो करते ही इसलिए हैं कि हमारा जो रिजल्ट्स आए वो पॉपुलेशन के आसपास हो, तो कहीं से आसपास नहीं आ रहे, टोटली बायस्ड हो। तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या करते हैं कि हम लोगों ने लोगों के नाम जो राइटिंग डाउन किए वो उनके बैकग्राउंड के हिसाब से कर लिए, रूलर अर्बन के हिसाब से, कौन से लोग हैं जो कि रूलर एरिया से बिलोंग करते हैं, कौन से हैं जो कि अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं, उन दोनों के अपने अलहदा अलहदा जगहों पर जो है आपने नाम डाले, अलहदा अलहदा उनसे आपने लिए, रूलर से आपने 70% लेने थे तो आपका जब नंबर ऑफ सैंपल जो है वो 10 है, यानी कि एन 10 है, आपने 10 लोगों का इंटरव्यू करना है तो 7 आपने रूलर से ले लिए, 3 आपने अर्बन से ले लिए। ये जो है आपका एक, अब ये 70 और 30 का रिजल्ट जो होगा ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अच्छा, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये रूलर और अर्बन ही हो, अगर आप इंटरनेशनल किसी यूनिवर्सिटी से ले रहे होंगे या किसी इंटरनेशनल जगह पर जाएंगे और किसी बाज़ार से कोई इंटरव्यू करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे आपको कंट्रीज़ के बेसिस बन जाएंगे, पाकिस्तान के लोग मौजूद हैं, इंडिया के भी लोग मौजूद हैं, यूके के होंगे, यूएई के होंगे एंड डिफरेंट अदर कंट्रीज़, तो आप हर एक कंट्री का अलहदा क्लस्टर बना दो। अगर पाकिस्तान के अंदर की बात करते हैं, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर 4 सूबे हैं, ठीक है, आपने उन चारों के डिफरेंट बना दिए, सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, ठीक है। अब आपने इन, अब जब आप सिर्फ पाकिस्तान पे फोकस करोगे तो और आपने क्लस्टर भी फॉर्म करने हैं तो आप क्लस्टर करोगे 4 उसके प्रोवेंसेस के हिसाब से, चाहो तो 4 प्रोवेंसेस के हिसाब से कर लो, चाहो तो रूलर अर्बन कर लो, दोनों आपके पास जो तरीक़ेकार मौजूद है, चाहो तो कंट्री वाइज कर लो, ये भी एक तरीक़ेकार क्लस्टर को फॉर्म करने का मौजूद है, ठीक है जी। यहाँ पे अब जो बच्चों को मूल सवाल उठता है वो होता है कि भाई क्लस्टर और स्ट्रेटिफाई तो तकरीबन सेम तो चीज़ है, ग्रुपिंग कर रहे हैं, फर्क क्या है, तो क्लस्टर वर्सेस स्ट्रेटम इन दोनों में होती ग्रुपिंग नहीं है, फ़र्क यह है कि यहाँ पे होती है ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन और ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड, ठीक है, ज्योग्राफिकल बेसिस लेने पर बेटर रहेगा, ठीक है। वेयर इज स्टेटा इज बेसिकली द ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज पॉपुलेशन, जिसमें मेनली मैंने आपको मेल और फीमेल ही यूज़ किया जाता है, या जेंडर भी बन सकता है, मेल फीमेल हो सकता है, या एज का ग्रुप बन सकता है, एज फैक्टर आ सकता है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन योर रिसर्च के आप किसके ऊपर रिसर्च करें, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ पे, लास्ट है प्रोबेबिलिटी वाले में, वो है आपके पास सिस्टमेटिक रैंडम सैंपल, फर्स्ट सिस्टमेटिक रैंडम सैंपल। अब इसमें क्या होता है, एक तरीके का से जो है वो फिलअप करते हैं, चलें एग्जाम्पल्स आपको उसको एक्सप्लेन कर तो शायद अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, यानी आप भाई एक 6-7 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, उन्होंने एक सोसाइटी से डाटा इकट्ठा लेना, ठीक है, उन्होंने 10 घरों का डाटा जो है उन्होंने घर का इकट्ठा किया, उस घर में हर लेन में जो है वो 10 घर मौजूद हैं और टोटल लेन जो है वो भी 10, यानी कि टोटल हाउस होल्ड जो है वो है आपके पास, टोटल लेन जो है हाउस होल्ड इन ईच लेन जो है वो 10 है और टोटल लेन जो है वो भी
10 हैं तो आपके पास हाउस होल्ड हैं, सही है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी तरफ से घरों की लिस्ट विस्ट कुछ नहीं बनाई, उन्होंने जो है वो क्या किया, उन्होंने अपनी तरफ से डिसाइड कर लिया हम हर हर गली ठीक है हर लेन में जाएंगे और 7th हाउस होल्ड को इंटरव्यू करेंगे, बस दैट्स इट, काम खत्म। होगी रैंडम सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी जब आप मालूम करेंगे तो होगी वो इक्वली हर इंडिविजुअल हर हाउस होल्ड को हर यूनिट को सेम प्रोबेबिलिटी का चांस मिला, मगर 7th घर को इंटरव्यू कर लिया, डाटा भी इकट्ठा हो गया, रैंडम भी हो गया, ठीक है। ज़रूरी नहीं 7th ही हो, कुछ भी हो सकता है, क्या पता वो 10th बोल रहे हैं, कुछ 5th बोलेंगे, 2nd भी हो सकता है, कुछ बोलेंगे बस पहले घरों का काम खत्म दो, खत्म करो काम, हर किसी की अपनी मर्जी, मगर एक सिस्टमेटिक वे। अमन ये तरीके का यूज़ किया जाता है स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स के अंदर, जब आप अपने टीम बना रहे होते हैं, आपने कहा भी चलो हाइट के हिसाब से खड़े हो जाओ, सारे खड़े हो गए, ठीक है, हर तीसरा बंदा जो है वो एक इंडिविजुअल ए हेड जो है उसके नीचे चले जाए, हर दूसरा बंदा जो है इंडिविजुअल बी हेड उसके नीचे चला जाए, और हर जो पहला बंदा है वो सी के नीचे चला जाए, हो सकता है ना। फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई क्रिकेट का मैच करना है विद इन अ कैंपस, उन्होंने 3 हेड्स बना दिए, एक हेड ए है, एक हेड बी है, एक सी है, अब ये तो हेड हो गए, अब बाकी सारे बच्चों को उन्होंने सीधी लाइन बना दी, सीधी लाइन बना दो बस। हेड ने सर नीचे किया, जो कोच है जिसने सबको ट्रेन किया, उन्होंने कहा भाई चलो जो तीसरे हर तीसरा बच्चा जो है ना वो जाएगा ए के अंदर, ठीक है, जो हर दूसरा बच्चा है वो चला जाए भाई बी के अंदर, और जो पहले बच्चे बन रहे हैं ना, पहला आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा, फिर पहला दूसरा तीसरा, तो जो पहले पहले बच्चे बन रहे हैं ना वो चले जाएं 3rd के अंदर, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने जो है वो इक्वली बच्चे भी बांट दिए, रैंडमली भी कर दिए, और एक सिस्टमेटिक वे से उन्होंने डिवाइडिंग किया, ये होती है आपकी सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग। तो अभी जो हमने देखा, हमने देखा कि आपके रैंडम सैंपलिंग के जो मेथड्स होते हैं वो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी दो किस्म पे होते हैं। हमने अब तक जो देखा वो किया है प्रोबेबिलिटी रैंडम सैंपलिंग, जिसमें आपने सिंपल रैंडम सैंपलिंग भी देख ली है, क्योंकि एक सिंपलिंग चीज़ थी, ठीक है, दूसरी आपने देख ली है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग भी देख ली है आपने, ठीक है जी, तीसरी आपने देख ली है अपनी क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग, ठीक है, इसी के दरमियान में आपको मैंने स्ट्रेटा और क्लस्टर में जो बेसिक मेन फ़र्क है मामूली सा, जो एक छोटा सा फ़र्क है वो भी एक्सप्लेन कर दिया, और चौथा सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी उसके अंदर आपको मैं नॉन प्रोबेबिलिटी या नॉन रैंडम सैंपलिंग को, ठीक है।